नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत पीयूष। आपने बिहार के सिवान जिले का नाम सुना होगा, चाहे आप देश के किसी कोने में रहते हो, और इसकी वजह तो कई हो सकती है। पहले तो नटवरलाल थे जो सिवान के ही थे और देश के जाने माने ठग थे, उनका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नटवरलाल, जिन्होंने ताजमहल लाल किले और संसद भवन को बेच दिया था। उस वजह से सिवान चर्चा में रहता था और उसके बाद सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की वजह से सिवान हमेशा देशभर में सुर्खियों में बना रहता था। सिवान के सबसे बड़े डॉन थे शहाबुद्दीन और डॉन से राजनेता बन गए थे और उनकी ऐसी तूती बोलती थी पूरे बिहार में कि कोई उनके खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं जुटा सकता था। और जहां तक सिवान का की बात है, वहां पर तो दूसरी पार्टियों के लोग अपने पार्टी के झंडे लगाने की भी हिम्मत नहीं दिखा सकते थे। वहाँ पर केवल आरजेडी का ही झंडा लगाता था। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की इच्छा के खिलाफ सिवान में कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अब मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे, कोविड में उनकी मौत हो चुकी है और शहाबुद्दीन के आपराधिक साम्राज्य की जो राख है उससे एक बड़ी और नई ताकत उभर कर सामने आई है। जो गुर्गे शहाबुद्दीन की ताकत हुआ करते थे, आज वहीं उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि उनके सबसे चर्चित दो गुर्गे थे रईस खान और अयूब खान। रईस खान और अयूब खान की जोड़ी एक नई ताकत के रूप में सिवान में उभर रही है और इस जोड़ी से ही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चिंतित हैं और उनको डर है कि ये जोड़ी उनके बेटे के लिए घातक साबित हो सकती है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको पता ही है कि शहाबुद्दीन का एक बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, दंगों हत्या के मामले उनके ऊपर थे और उनके नाम से ही पूरा सिवान खड़ा उठता था। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है उसके बाद उनके जो दो खास गुर्गे थे रईस खान और अयूब खान, उनकी जोड़ी का आतंक सिवान में फिर से कायम होता हुआ दिख रहा है। दिवंगत सांसद के दो गुर्गे थे रईस खान और उनका भाई अयूब खान, दोनों ही अब एकजुट हो चुके हैं, एक बड़ी ताकत सिवान में बन चुके हैं और शहाबुद्दीन की विरासत को कब्जाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद अब उनकी विरासत को फिर से अपने हाथ में लेने की कोशिश ये खान ब्रदर्स कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रईस खान ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था उसमें हत्या, अपहरण और दूसरे अपराधी पर अयूब, जिसकी 42 से अधिक मामलों में तलाश थी, जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब जेल से वो छूटा तो उसके काफिले पर हमला हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और उस मामले में जो मामला दर्ज कराया गया पुलिस ने हिना साहब के बेटे का नाम दे दिया गया है, उनके 12 लोगों का नाम दे दिया गया है और हिना साहब काफ़ी डरी और सही हुई हैं और उनका कहना है कि रईस खान के हलफनामे में हत्या, अपहरण और कई आपराधिक मामलों का उल्लेख है, वो जाना माना अपराधी है और अब उसके निशाने पर उनका बेटा है। गुरुवार को हिना साहबुद्दीन ने कहा कि उनके परिवार को खतरा महसूस हो रहा है और वो एक समय अपनी जागीर सिवान को छोड़ देने पर विचार कर रहे हैं। यानी सिवान में जिस शहाबुद्दीन की दूती बोलती थी, जिस शहाबुद्दीन के परिवार के सामने कोई खड़ा होने का नाम नहीं लेता था, आज शहाबुद्दीन का परिवार जरा सहमा हुआ है और उनकी पत्नी कह रही हैं कि अब अपने पुराने जागीर को छोड़ देने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता है तो मेरे जिंदा रहने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। उसकी मौत से पहले 16 साल तक मुझे अपने पति से दूर रखा गया, मेरा बेटा उसामा महीनों से सिवान में नहीं है, वो दिल्ली में रहता है, फिर भी गोलीबारी से जुड़ी एक हजार में उसे नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो मांग करती है कि पुलिस उसे बेगुनाह साबित करे, उसे बेगुनाह घोषित करे, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सिवान छोड़ दूँगी। तो एक बड़े गैंगस्टर की पत्नी का ये कहना है कि उसके परिवार का खतरा है, उसके बेटे की जान का खतरा है और पुलिस अगर न्याय नहीं करेगी तो वो सिवान छोड़ देगी। तो आप समझ सकते हैं कि सिवान में एक नई ताकत उभर रही है और ये नई ताकत कोई बाहर की नहीं है बल्कि शहाबुद्दीन के जो दो गुर्गे थे जिनकी बदौलत शहाबुद्दीन का सिक्का जमा था सिवान में, अब वहीं आतंक का प्रयाग बनते जा रहे हैं और सबसे पहले वो शहाबुद्दीन के मरने के बाद उनके बेटे को निशाना बनाना चाहते हैं, ऐसा मानना है शहाबुद्दीन की पत्नी का।
तो शहाबुद्दीन की पत्नी ने मांग की है सिवान के एसपी से मामले की जांच की जाए। सिवान के एसपी का कहना है कि मामले की अभी जाँच चल रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस शूट आउट की घटना में उनके बेटे का हाथ था या नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि जिस शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, जिस शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था सिवान जिले में, आज उनका परिवार कितना डरा समा हुआ है और वो भी अपने ही पुराने दुर्गे से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि सिवान में एक नई ताकत उभर रही है आपराधिक जगत में, जो हो सकता है कि सिवान को फिर से खौफ जगह करें।